एक और जहां सरकार गुंडागर्दी और माफिया राज खत्म होने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी गुंडे और माफियों का आतंक है। भूमाफिया नियमों को तक पर रखकर कृषि योग्य जमीन को अपने फायदे के लिए महंगे दामों में बेच रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बनकर ये तमाशा देख रहा है। मध्य प्रदेश में माफिया राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसका जीता जागता नमूना डिंडोरी से सामने आया, जहां भूमाफिया नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खेती किसानी योग्य जमीन को मनमाने दामों पर बेच रहे हैं। यहाँ कृषि योग्य जमीन बिना डायवर्सन बिना कॉलोनाइजर के ही महंगे दामों में बेच दी गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले को लेकर बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिससे कृषि योग्य जमीन को बचाया जा सके। वहीं SDM ने कहा कि मामले की जाँच कर गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा ज्ञापन दिया गया है और सुबह ही हमें प्रेक्टर मदर्स जानकारी प्राप्त हो गई थी कि डिंडोरी जो हेडक्वार्टर है और उसके आसपास के जो बड़े गांव हैं वहां पर अवैध रूप से प्लाटिंग करके ज़मीनों की बिक्री हो रही है। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है और ये प्राथमिकता में रहता है कि इस तरह के जो भूमाफिया हैं या अवैध रूप से जो भी प्लाटिंग करते हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और कुछ ही समय पश्चात मैं खुद इसके लिए स्पॉट विजिट पर जाने वाला हूँ और ऐसे अगर कहीं पर कोई काम चल रहा है जिसमें अनुमतियाँ नहीं हैं तो हम प्रयास करेंगे कि यह तो अनुमति ले लें, और अगर अनुमति नहीं ले रहे हैं तो जो भी हमारे पास इसके संबंध में कार्रवाइजर लाइसेंस को उल्लंघन समझो प्रावधान है हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। मेरी मांग ये है कि लंबे समय से डिंडोरी जिले में जो दलालों के माध्यम से जो जमीन की बिक्री होती है उसका ना कॉलोनाइजर का कोई अनुमति होती है, रेरा का अनुमति नहीं होती, ना सड़क ना बिजली ना पानी। इन लोग क्या करते हैं, जमीन को अपने विक्रय कर देते हैं, कोई सुविधा नहीं देते। मेरे पास कई शिकायत अभी जिले से भी आई है कि न सड़क है न बिजली है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, हमारे पास बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आज SDM महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दिया हूं कि इसमें जांच कर और राजस्व की टीम और नगर परिषद की टीम बनाई जाए और इसकी जाँच कराई जाए और जहाँ नियम विरुद्ध पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।